तो हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने पढ़ा था क्या? पिछले लेक्चर में नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ा था। पिछले लेक्चर तक कुछ हमने पढ़ा था आपका रूट्स के बारे में, अगर रूट्स गिवेन हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे निकालते हैं। इवन इनफैक्ट सिर्फ क्वाड्रेटिक ही नहीं, हम तो पिछले लेक्चर में निकालना सीख रहे थे क्वाड्रेटिक के अलावा क्यूबिक भी, बाई क्वाड्रेटिक भी, सब हमने निकालना सीखा था। अगर हमें रूट्स पता हो तो सब चीजें हम निकाल सकते हैं। और जस्ट पिछला लेक्चर जो बीता है उनमें से हम नेचर ऑफ रूट्स यानी रूट्स के नेचर के बारे में पढ़े थे कि अगर रूट्स आपका रियल होगा, इमेजिनरी होगा, रेशनल होगा, इरेशनल होगा, तो उस टाइप में क्या कंडीशन, कौन सी कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। पिछले लेक्चर तक हमने ये किया था। आज कुछ उन्हीं नेचर ऑफ रूट्स पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ सवाल करेंगे, ठीक है? तो आज एक सवाल से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जैसे मान लो सवाल हम जैसे रिवीजन टाइप का है, समझो कि ये जो अभी शुरुआत में मैं कुछ रिवीजन टाइप का करा रहा हूँ कि पिछले लेक्चर्स में जो हम पढ़े हैं उनका रिवीजन है। यह सवाल मैं दे रहा हूँ कि इफ फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच वन रूट इज 10π/8। देखो ये सवाल छोटा सवाल है, कह रहा है कि सवाल की आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है जिसका एक रूट 10π/8 है। तो बच्चों एकदम दिमाग में बात क्लियर कर लो, क्लियर श्योर शॉर्ट कर लगा लो कि अगर एक रूट दिया है जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए दो रूट चाहिए, तो ये ऐसा कुछ होगा जो ये अकेला इकलौता एक रूट नहीं है, दो रूट के कुछ अपना बराबर या दूसरा रूट का संकेत दे रहा होगा। मतलब दूसरा रूट का सारा हिंट हमें इस वाले पार्ट से मिलेगा 10π/8। तो कह रहा है कि एक रूट 10π/8 है, मतलब अल्फा इक्वल टू आपका है 10π/8, और 10π/8 मतलब होता है 10π/4 का आधा, मतलब 22.5 डिग्री, ठीक है? तो आपका 10π/8 का मतलब 10 22.5 डिग्री, और इसकी वैल्यू आप निकालना जानते हो कैसे, 10 2a का मतलब 10 45 का वैल्यू पता है, उसको 2a यानी 2 थीटा मान के हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लो, तो √2-1। जरा देखो तो एक रूट √2-1 हो गया, ये इरेशनल रूट आया क्या? और मैं पिछले दिन बताया था कि अगर इरेशनल होगा तो उसका हमेशा कैसे एग्जिस्ट करेगा, कॉन्जुगेट पेयर में हमेशा एग्जिस्ट करेगा। इसका दूसरा रूट अपने आप क्या हो जाएगा? मैंने कहा था कि इरेशनल वाले क्वांटिटी का साइन निगेटिव होगा तो −√2-1 हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट पेयर, मतलब √2 वाले का साइन चेंज होगा। अब जरा बताओ सम ऑफ रूट सम निकाल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, √2-1 + √2 मतलब −√2 और −1। जरा देखो तो कुछ कट रहा है क्या, √2 से √2 कट रहा है, −1 − 1 + −1 − 1 − 2 हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपका हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू √2 − 1 × −√2 − 1 a + b a − b, ये हो जाएगा a² − b² मतलब आपका देखो ये एक ही जगह पे, थोड़ा सा मैं ठीक से लिखता हूँ नहीं तो आपको होगा कंफ्यूजन थोड़ा सा। √2 + 1 − 1 + √2 लिखा, −1 − √2 लिखा, देखो a + b a − b मतलब −1 का स्क्वायर − √2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 − 2, आपका आंसर हो गया −1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाती है, हमने पिछले दिनों पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, x² − sum of roots into x + product of roots = 0, यानी x² sum of roots कितना है, −2, तो −−, कितना हो जाएगा +2, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है −1 = 0, ये आपका आंसर हो गया। बोलो बच्चों बात समझ में आई, ये आपका आंसर हो गया कि कितना 2 − x² + 2x − 1 = 0, इसके रूट्स आप निकालोगे तो यही बात आएगी, बात समझ में आ रही। तो ये सवाल आपके लिए बस खास इतना ही है कि 10π/8 की वैल्यू आपने यहाँ पे सीख लिया, 10π/8 की वैल्यू कितनी, √2-1। जरा आओ अगले सवाल की तरफ बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। और आपके सामने सवाल, मान लो कि 10π/8 के जगह पे कुछ और लिख दे, तो आप फिर से कुछ वैसे ही, मान लो मैंने लिख दिया कि फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होज होज
वन रूट इज 10 π/12, यानी π/12 कितना एंगल हो जाएगा, π/12 में अगर आप डिवाइड करते हो तो कितना एंगल हो जाएगा बोलो तो बच्चों, आई थिंक 15 डिग्री, कितना होगा ये 15 डिग्री, ये कुल मिला के कह रहा है कि 15 डिग्री, यानी tan 15, और tan 15 निकालने के लिए आप tan 45 माइनस 30 भी यूज कर सकते हो और 30 का आधा भी यूज कर सकते हो, इसको यूज करके आप tan 15 की वैल्यू निकाल लो। फिर से देखो सवाल पिछले वाले की तरह ही रिपीट कर रहा है, पिछला वाला भी बोला था कि एक रूट दिया था और तो ऐसा रूट वो जिस उसकी उसकी वैल्यू हमने निकाला तो ऐसा आया कि वो एक इरेशनल नंबर आया, अच्छा इरेशनल नंबर आया तो उसका कंजुगेट एग्जिस्ट कर गया था, इस बार भी कुछ ऐसा होने की पूरी संभावना है। आ रही बात समझ में, तो ये आपका एक रूट आपका है तो हम जानते हैं आप इसका वैल्यू निकाल के देख सकते हैं। देखो मैं फटाफट निकाल देता हूं क्या होता है, tan a माइनस tan b, यानी आप याद कर लो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप निकाल लेना tan 45 tan 30, जरा देखो तो कितना आ गया ये 1 माइनस इसकी वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3, बच्चों कितना आ गया ये देखो, ये ऊपर नीचे मैंने एलसीएम काट लिया तो एलसीएम काटते ये √3 माइनस 1/√3 + 1, पाई बाय 12 देख लेना, पाई बाय 12 180 में 12 का डिवीजन करेंगे तो 15 ही आएगा, 180 में 12 का डिवीजन करेंगे तो 1 और यहाँ पे 6 और 0 12 पंजे 60 ले 15 आ गया, तो ये हो गया √3 - 1, ऊपर नीचे √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मल्टीप्लाई करते ही देखो तो a माइनस बी का ये होल स्क्वायर हो गया, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2√a माइनस 2√2ab, तो 2 × a × इतना, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 - 1 = 4, ऊपर में हो गया 4 - 2√3/2, इसको काटा पीटेंगे तो 2 - √3, तो 2 - √3 एक रूट अल्फा इक्वल टू हो गया tan 15 डिग्री, मतलब 2 - √3, ये 2 - √3 पॉजिटिव है भाई क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है, 2 की वैल्यू होती है 2 ही, रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.732, तो आप देखो 2 में से 1.732 घटाएंगे तो पॉजिटिव ही रहेगी, तो अगर अल्फा ये आया तो बीटा क्या हो जाएगा, इसका वही इरेशनल है तो कम कंजुगेट पेयर, क्योंकि ये इरेशनल है भाई, बच्चों बात समझ में, तो कॉन्जुगेट पेयर तो बस फटाफट बता दो, सम ऑफ रूट सबको दिख रहा है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4, मुझे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा POR, इन दोनों का स्क्वायर ए स्क्वायर 4 - 3 आपका 1 हो जाएगा इसका, तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएगी आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0, यानी इसी को लिखा जाता है एक्स स्क्वायर सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0, यानी हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल टू प्लस 1 इक्वल टू 0, सॉरी यहाँ पे एक गलती हो गई, यहाँ पे -1 क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू +4 है, तो बात समझ में आ रही है कि सवाल में दिया रहेगा जो भी चीजें, जैसे देखो एक और छोटा सा सवाल लेता हूं मैं, एक और छोटा सा बहुत छोटा सा फटाफट एक सवाल दिखाता हूं आपके सामने कि एक और क्या बात रहेगी, तो हम कहेंगे कि नहीं हाँ ठीक है ऐसे ही हम निकालेंगे, अभी तक तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हमने, अगर हमने अभी आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल दे देता मैं यहीं पे, मान लो मैंने ऐसे लिख दिया क्वेश्चन फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इफ 1 0 0 इज, मान लो मैंने लिख दिया 2 + √3 एंड एफ ऑफ 1 = 4, तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बताना है। देखो बेटा एक जीरो दे रखा है, अपने को 2 जीरो चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालने के लिए, क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल लिखना होगा तो आपको मैं लिखने का दिखा चुका हूं क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के लिए कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हम लिखेंगे ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, अगर हमको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के बारे में पता, अगर रूट उसके जीरो पता हो तो अल्फा और बीटा इस केस के लिए क्या बन जाते हैं, जीरो, बोलो बात समझ में आ गई, अल्फा और बीटा बन जाते हैं जीरो, तो आपका देखो एक अल्फा एक जीरो दे रखा है 2 + √3 और ये एक इरेशनल नंबर है, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा बच्चों,
फटाफट बताओ बीटा क्या हो जाएगा, क्या बीटा इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा और 2 माइनस रूट 3 हो जाएगा, यानी अल्फा और बीटा तो मिल गया। एक और कंडीशन दे रखा है आपका एफ ऑफ वन इक्वल टू फोर दे रखा है, इसको भी यूज करेंगे, उससे ए निकल के आ जाएगा, तो पॉलिनोमियल एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू एक्स माइनस टू टू प्लस रूट थ्री, ऐसे एक ब्रैकेट ये इसके वाल लगा दिया, फिर आपका एक्स माइनस टू माइनस रूट थ्री और ये ब्रैकेट ऐसा वाला। अब जरा देखो सवाल में दे रखा है कि f ऑफ 1 इक्वल टू 4, मतलब x के जगह पे 1 पुट करना है, अगर मैं x के जगह पे 1 पुट करूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 माइनस रूट 3, 1 माइनस 2 प्लस रूट 3, और इसके जगह पे 4 दे रखा है, ये a हो गया, ये 1 में से 2 निकलेगा, माइनस 1 माइनस रूट 3, ये माइनस 1 प्लस रूट 3, बेटा ये a स्क्वायर a माइनस b a प्लस b एक जगह पे, माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3 इंटू 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों देखो तो माइनस 2, a इक्वल टू माइनस 2 आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं यहां से कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू माइनस 2 एक्स माइनस 2, देखो ये डायरेक्ट में लिख रहा हूं एक्स माइनस 2 माइनस रूट 3 और एक्स माइनस 2 प्लस रूट 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ध्यान देना क्या कह रहा है, पॉलिनोमियल या इक्वेशन, पॉलिनोमियल में कहेगा तो हम ऐसे मानेंगे, ऐसे मानेंगे इक्वेशन, इक्वेशन अगर ऐसा मानेंगे पॉलिनोमियल, अगर इक्वेशन बोलेगा तो इस a को हटा के बराबर 0 मान लेंगे, बस यही फंडा है, टोटल फंडा यही है ये निकालने का। तो ये तो अभी हमने जीरो पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल जीरोज और रूट्स के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल इक्वेशन निकालना सीख रहे थे। अब मान लो कि आगे हम थोड़ा सा और चाहते हैं, कल जो पिछले लेक्चर में जो हम पढ़े थे, क्या पढ़े थे पिछले लेक्चर में, हम पढ़े थे पिछले लेक्चर में जो तरह तरह के रूट्स होने पे उनके कंडीशंस थी अप्लाई करना, उसको हम सोच रहे कि कुछ और सवाल करा दें आपके सामने, तो कुछ और सवाल लिखते हैं आ जाओ। तो अगला क्वेश्चन मान लो लिख रहा हूं कि एफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, मान लो कि एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस टू इंटू एक्स प्लस एम स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट का मतलब होता है इक्वल, कोइंसिडेंट का मतलब दूसरी मीनिंग होती है कि इक्वल रूट हो जाए, मतलब दोनों रूट सेम हो जाए, देन फाइंड एम, आपको एम फाइंड करना है। तो बच्चों फटाफट एक लाइन में निकाल लो, बहुत ही बेसिक सवाल दे रहा हूं, अभी कुछ ऐसे सवाल में दम नहीं है, एकदम बेसिक आसान हल्का सवाल दे रहा हूं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम इन्हीं सवालों को थोड़ा सा और अच्छा करेंगे और अच्छे सवाल की तरफ बढ़ेंगे, पर अभी आपको चूंकि एक बार सीख लो आप, इसलिए मैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, बिल्कुल बेसिक, बेहद बेसिक सवाल। तो फटाफट एक क्वेश्चन बना लो, मैं तब तक वेट कर लेता हूं आपके क्वेश्चन का, आपके आंसर का, फटाफट बनाओ बच्चों। तो देखो अगला क्वेश्चन जो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे बनेगा, तो ये कह रहा है कि रूट कोइंसिडेंट है, अगर रूट कोइंसिडेंट है तो इसका मतलब क्या है, अगर इक्वल रूट है तो क्या इसका मतलब होता है, अगर रूट इक्वल हो तो डी इज इक्वल टू जीरो, और टी मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो, बी मतलब यहाँ पे एम प्लस टू माइनस के साथ है, तो होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस फोर ए की जगह पे वन, सी के जगह पे एम स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। जरा देखो तो क्या ये एम स्क्वायर प्लस फोर एम, अरे माइनस तो प्लस हो गया, और इसका होल स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस फोर एम स्क्वायर प्लस फोर एम प्लस फोर माइनस फोर एम स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सिक्सटीन एम प्लस आपका माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो। देखो ये आपका दिया माइनस थ्री एम स्क्वायर, चार और एम निकाला माइनस थ्री एम स्क्वायर, सोलह और चार ट्वेंटी एम, माइनस ये देखो तो माइनस सोलह प्लस चार माइनस बारह, एक और काम कर सकते हैं आपका थ्री एम स्क्वायर प्लस माइनस ट्वेंटी एम
प्लस 12 इज इक्वल टू 0 माइनस कॉमन कर लिया, 12 में 3 मल्टीप्लाई किया 36, 18 में 2 मल्टीप्लाई किया आपका भी हो गया 18 में 2 मल्टीप्लाई किया 36 और 18 प्लस 2 20 हो गया, मतलब 3m स्क्वायर माइनस 18m माइनस 2m प्लस 12 इक्वल टू 0, 3m कॉमन कर लिया तो m माइनस 6 हो गया, माइनस 2 कॉमन कर लिया तो m माइनस 6 इक्वल टू 0, दो फैक्टर आया m माइनस 6 और 3m माइनस 2 इक्वल टू 0, क्या बन गया यहाँ से m की वैल्यू क्या हो गई, या तो m इक्वल टू 6 हो गया या तो m इक्वल टू 2/3 हो गया, यही आपका आंसर हो गया। बोलो बात समझ में आ गई बच्चों, क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। कब, जब रूट कोइंसिडेंट हो। ये सवाल किस लिए कराया गया है, सिर्फ आपको कोइंसिडेंट का मतलब पता चल जाए, बाकी और कुछ नहीं, बाकी सवाल बाकी चीज आप जानते हो करना। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं। फाइंड नेचर या ऐसे हम लिखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टू एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, थोड़ा सा यहां बदल देता हूं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर, देखो पहला ऑप्शन लिख रहा हूं मैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, दूसरा रेशनल एंड इक्वल, तीसरा ऑप्शन है इसका रियल एंड डिफरेंट, रियल एंड इरेशनल, या ऐसे लिख रहा हूं इरेशनल एंड इक्वल, इरेशनल एंड इक्वल, और मैं लिख रहा हूं चौथा ऑप्शन इक्वल इरेशनल रियल एंड इक्वल, ठीक है, ये चार ऑप्शन है इसमें से आपको बताना है। सबसे पहले जैसे आपने देखा कि रूट्स के नेचर के बारे में बताने वाला है, तो आप क्या निकालोगे, जरा फटाफट निकाल के मुझे बताओ कि डी की वैल्यू आप कितना निकालोगे, तो फटाफट निकाल के बताओ डी की वैल्यू कितना है। तो मान लो कि आपने डी की वैल्यू निकाल लिया, कितना आ गया डी की वैल्यू, करेक्ट आंसर आया जीरो, डी की वैल्यू आपका जीरो आया, क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac, बोलो बी की जगह पे आपका 2√2 का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पे 2c की जगह पे 1, ये हो गया 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। जैसे ही आपने डी इक्वल टू 0 देखा, आपने फटाफट बोला कि क्या होता है रियल एंड इक्वल, बट बेटा ध्यान देना कि इस बार रियल नहीं होगा, क्योंकि ये रियल एंड इक्वल सही है, ये भी बात सही है रियल एंड इक्वल, लेकिन आपका एक और चीज इसमें है सर, रेशनल और इक्वल भी है, सर रेशनल और इक्वल भी है, तो क्या हम रियल और इक्वल के बाद रेशनल और इरेशनल लगाना सही है, रेशनल या इरेशनल में से कौन सा लगाएं। तो इसके लिए आपको याद होगा कि जितनी सारे मैंने बात लिखाया था वो तब लिखाया था कि जब आपका ये रेशनल नंबर हो, तो रेशनल नंबर के लिए एबीसी यानी कोफिशियंट रेशनल नंबर हो, कोफिशियंट इस बार आपका इरेशनल है, बट हेयर कोफिशियंट जो है वो इरेशनल है, देखो तो है क्या इरेशनल, अगर इसका हम रूट निकालेंगे तो पहला x इक्वल टू माइनस जो b आएगा, माइनस माइनस प्लस 2√2 प्लस माइनस d के जगह पे तो जीरो हो गया यहाँ पे अपॉन 2 × 2, जरा देखो तो x बराबर कितना है √2/2 यानी 1/√2, यही है दोनों रूट यही हो गया क्या, ये स्ट्रिक्टली इरेशनल है, क्योंकि अगर ये मैंने कल बता रहा था कि अगर यहाँ पे इमेजिनरी होगा तो पक्के तौर से आपका कॉम्प्लेक्स रूट आएगा, यहाँ पे इमेजिनरी नहीं होगा तो कॉम्प्लेक्स या रियल कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर ऐसे सेम तरह से यहाँ पे अगर इरेशनल नंबर आ गया बी के जगह पे, तो ये बी यहाँ की वजह से ये हमेशा ही इरेशनल आएगा पक्के तौर पे, तो अगर सिर्फ सिंगल चॉइस ऑप्शन करेक्ट है तो हम लगाएंगे इसको कि इरेशनल और इक्वल, अगर मोर देन वन चॉइस है तो रियल और इक्वल भी लगा देंगे अगर मोर देन वन चॉइस सही है, तो बात समझ में आ रही है, अदरवाइज सिर्फ ओनली वन ऑप्शन है तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन मतलब बिल्कुल सबसे नजदीक आंसर होगा इरेशनल एंड इक्वल, रियल में तो रेशनल और इरेशनल दोनों आ जाएगा ना इसलिए, लेकिन अगर मोर देन वन होगा तो रियल और इक्वल भी हम लगा सकते हैं, बात समझ में आ रही है बच्चों। तो ये आपके सवाल कुछ उस बेसिस पे चल रहे हैं नेचर ऑफ रूट्स पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जरा सा और बोर्ड हटा के मिटा के दोबारा सवाल लिखता हूं मैं। तो अगला क्वेश्चन है, सवाल मान लो सामने लिखा हुआ है पी इफ रूट्स ऑफ
रूट्स ऑफ इक्वेशन इक्वेशन पी क्यू माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू आर माइनस पी एक्स प्लस आर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो आर कोइंसिडेंट, फिर से वही बात आ गई कोइंसिडेंट कोइंसिडेंट, देन फाइंड वैल्यू ऑफ देन फाइंड वैल्यू ऑफ या देन प्रूव दैट, मान लो मैं पूछ देता हूं देन प्रूव दैट 2 बाई पी इक्वल टू 1 बाई क्यू प्लस 1 बाई आर, 2 बाई पी इक्वल टू 1 बाई क्यू प्लस 1 बाई आर। तो आप फटाफट निकाल लो, कोई बहुत कठिन सवाल तो है नहीं आपके लिए, एकदम आसान सा बेहद आसान सा सवाल दे रखा है मैंने सामने आपके। क्या दे रखा है, ये चीज दिख रहा है, इसका रूट कोइंसिडेंट है, डी जीरो होना चाहिए, आप कर लो, देखो जरा करके बताओ क्या आएगा आंसर, करके बताओ, तब तक मैं वेट कर लेता हूं एक सेकंड का। तो आ जाओ आप लोग फॉलो करते हैं, कह रहा है कि इसके रूट कोइंसिडेंट है, और एक बात दिख रही है जरा इसका कोफिशियंट देखो, तो जरा बच्चों कोफिशियंट देखो, तो कोफिशियंट आर इन साइक्लिक ऑर्डर है क्या, साइक्लिक ऑर्डर का मतलब क्या होता है सर, साइक्लिक ऑर्डर का मतलब क्या होता है सर, यही कि पी क्यू माइनस आर आर माइनस पी पी माइनस क्यू साइक्लिक ऑर्डर होता है, यानी जैसे वैसे देखो यहाँ पी है ये क्यू है ये आर है, पी माइनस क्यू क्यू माइनस आर आर माइनस पी, देखो यही है क्या, कहीं पी माइनस क्यू है कहीं क्यू माइनस आर है कहीं क्यू आर माइनस पी है कहीं, तो साइक्लिक ऑर्डर ये कहलाता है। दूसरा और चेक करना है तो आप जरा इनका सम निकाल लो, सम ऑफ कोएफिशिएंट निकाल लो, सम ऑफ कोएफिशिएंट निकाल लो बच्चों, क्या हो जाएगा पी क्यू माइनस आर प्लस क्यू आर माइनस पी प्लस आर पी माइनस क्यू, देखो तो जरा पी क्यू से पी क्यू कटा कहां पे, ये पी क्यू वाला कट गया, आर पी से आर पी कट गया, और देखो आर क्यू से आर क्यू कट गया, तो आपका सब कट पिट गया, आपकी वैल्यू आ गई यहां पे वैल्यू आ गई जीरो, तो सब ऑफ कोएफिशिएंट जीरो होता है। तो हमने क्या बताया था कि वन रूट तो वन रूट इज वन हो जाएगा, बट यहाँ पे एक और बात है, बट रूट कैसे है यहाँ पे दे रखा है, रूट्स आर कोइंसिडेंट, और कोइंसिडेंट दे रखा है, इसका मतलब ये हो गया, ठीक से लिख देता हूं कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट दे रखा है, इसका मतलब कि अगर एक रूट ये हो तो अदर रूट भी क्या हो गया, बोलो बच्चों अदर रूट इज आल्सो वन, तो दूसरा रूट भी वन हो गया, तो हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बस यूज कर लो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा यहां से सी बाई ए, तो आर पी माइनस क्यू अपॉन पी, यहाँ पे पी क्यू माइनस आर, इसके बाद क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू वन इंटू वन, दोनों का वन इंटू वन, ये आर पी इंटू आर पी माइनस आर क्यू अपॉन पी क्यू माइनस पी आर, पी आर ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, पी क्यू माइनस पी आर इक्वल टू आर पी माइनस आर क्यू, तो कुछ किया जाए क्या क्या किया जाए, जैसे कि आ जाए एक काम कर लिया जाए, इस पी को उधर भेज लेते हैं, उस पी को इधर भेज लेते हैं, पी उस पी को इधर भेज लेते हैं, तो अपने पास बन जाएगा या हम इस वाले पी को इधर लेके आ जाते हैं, तो ये सब P कॉमन हो जाएगा, क्या बच जाएगा अपने पास, P कॉमन होने के बाद देखो इस बच्चे को यहाँ पे लेके आ गया, अच्छा देखो ये पी आर तो उधर जाके टू, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, पी क्यू इक्वल टू ये पी आर और आर पी मिलके टू पी आर बन गया माइनस आर क्यू हो गया, इस आर क्यू को इधर लेके चले आओ, आर क्यू प्लस ये हो गया, क्यू कॉमन हो गया, आर प्लस पी बन गया इक्वल टू टू पी आर बन गया, और जरा देखो इधर नीचे ले आके डिवाइड किया, तो ये हो गया आपका आर प्लस पी इक्वल आर प्लस पी इक्वल टू पी आर इक्वल टू टू बाई क्यू, थोड़ा सा जो प्रूफ करना है उसमें चेंज कर देता हूं, यहाँ पे क्यू और यहाँ पे पी, क्या हो गया 2 बाई क्यू और 1 अपॉन पी, ये थोड़ा सा चेंज है यहाँ पे, देखो यहाँ पे 1 अपॉन पी बचा प्लस 1 अपॉन आर बचा इक्वल टू 2 अपॉन क्यू, बोलो प्रूफ हो गया। तो अगर आप डी इक्वल टू जीरो से करते तो भी आपका आंसर आता, तो भी सवाल बनता, कोई दिक्कत नहीं थी, बट अगर आप ये आपको याद है कि साइक्लिक ऑर्डर में अगर इसके कोफिशियंट है तो उसका एक रूट आपका जीरो एक रूट वन होता है, तो उससे आपका फटाफट एक लाइन में आंसर आ गया, बात समझ आए बच्चों, एक लाइन में इसका फटाफट आंसर आ गया। जरा हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसी कंटिन्यूएशन में अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस प्लस एम इक्वल टू जीरो आर नॉट रियल
आर नॉट रियल देन फाइंड m, m की वैल्यू बताओ। ठीक है, सोल्यूशन में आते हैं। रियल नहीं है, एकदम आसान आसान सवाल चल रहा है। रियल नहीं है तो क्या होगा? रियल नहीं है तो इमेजिनरी है। रियल नहीं है, नॉट रियल का मतलब हो गया क्या? नॉट रियल का मतलब हो गया क्या? इमेजिनरी, इमेजिनरी, इमेजिनरी। इमेजिनरी का मतलब हो गया d कितना? लेस देन जीरो। d का मतलब माइनस बी का स्क्वायर माइनस फोर ए, ए की जगह पे वन, सी की जगह पे एम, लेस देन जीरो। यह हो गया 16 माइनस फोर एम लेस देन जीरो। एम को उधर भेजा तो 16 लेस देन फोर एम हो गया, मतलब एम शुड बी ग्रेटर देन फोर आ गया। ये आपका आंसर हो गया, यानी एम बिलोंग टू फोर टू इनफाइनाइट। ये आपके कुछ ऐसे सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल चल रहे हैं। अभी थोड़ा और सवालों की तरफ बढ़ेंगे और थोड़ा और थोड़ा सवालों का लेवल बढ़ाएंगे धीरे धीरे, पर इतनी जल्दी नहीं। थोड़ा और कुछ सवाल ऐसे आसान सवाल करेंगे, उसके बाद थोड़ा इसका लेवल बढ़ाएंगे और अगले सवालों पे आते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चों मैं, कि इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो आर रियल देन रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस फोर रूट ए बी एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो आर। इसके रूट्स कैसे होंगे? रियल इमेजिनरी इक्वल क्या होंगे इसके बारे में बताना है। तो अब इसके रूट्स के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, या आप चाहो तो आप इसको बना सकते हो। तब तक मैं अगला सवाल लिख देता हूं। अगला सवाल है कि एफ वन रूट ऑफ, तब तक आप इसको बनाओ तब तक मैं अगला सवाल लिख रहा हूं। एफ वन रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो इज फोर एंड रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो आर इक्वल देन फाइंड क्यू। मान लो क्यू हमने पूछ लिया। चलो एक सवाल ये भी लिख दिया, एक और सवाल लिख देते हैं फटाफट, ताकि आप बनाते रहो। एक साथ तीन सवाल बनाओ, फिर उधर में मैं तीनों का सोल्यूशन करा दूंगा। तीसरा सवाल मैंने लिख दिया कि इफ रूट्स ऑफ इक्वेशन बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस बी इक्वल टू जीरो आर रियल देन रिलेट ए कामा बी कामा सी। आपको ए बी सी में रिलेशन बताना है कि क्या रिलेशन होगा। तो आई होप आप तीनों फटाफट बना लो। तीनों मिला के पांच मिनट का सवाल है और एक एक सवाल को हम सोल्यूशन देखते हैं। ये सवाल नंबर वन है, ये सवाल नंबर टू है, ये सवाल नंबर थ्री है। इधर देखो, सवाल नंबर वन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोल्यूशन। सवाल नंबर वन का सोल्यूशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला सवाल बोला है कि इस वाली इक्वेशन का रूट्स रियल है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो के रूट्स कैसे हैं? रियल हैं। इसका मतलब d ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होता है, और d मतलब आपका b स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, और b की जगह पे वन का स्क्वायर माइनस फोर ए बी सी की जगह पे b ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, मतलब वन माइनस फोर ए बी आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो हो गया। एक बात तो पक्की हो गई। नाउ अपने पास एक क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर फोर रूट ए बी एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, इसके हम डी निकालते हैं। इसका डी क्या हो जाएगा? तो फोर रूट ए बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसकी वैल्यू हो गई आपका 16 ए बी माइनस फोर, चार कॉमन हो गया, फोर ए बी माइनस वन हो गया। जरा देखो तो एक बात देखो तो ये जरा सा यहां से हम अगर माइनस कॉमन कर लेते हैं, या एक काम कर लेते हैं यहां से माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो 4ab माइनस 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 माइनस से मल्टीप्लाई करते ही
धीरे धीरे तो चलते ही रास्ते में मिलेगा क्या आपका, माइनस से मल्टीप्लाई करते ही मिल गया जीरो, लेस देन जीरो, यानी माइनस से मल्टीप्लाई दोनों साइड करते ही निगेटिव हो गया, यानी लेस देन जीरो हो गया, तो ये हो गया आपका निगेटिव, और लेस देन आर इक्वल टू जीरो है तो ये पूरा हो गया लेस देन आर इक्वल टू जीरो। तो क्या होगा डी, अगर लेस देन आर इक्वल टू जीरो हो गया तो दो बातें हो सकती है, इक्वल एंड रियल या इमेजिनरी, दोनों ही बातें हो सकती हैं इसके रूट्स। बात समझ में आ रही है, इमेजिनरी आएगा तो कॉन्जुगेट पेयर में एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इक्वल और रियल हो जाएगा। तो ये आपका तो पहला सवाल का सोल्यूशन निकल गया। दूसरे सवाल के बारे में जरा सोचते हैं, इधर देखो बच्चों, इधर आपको दूसरा सवाल है, इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इक्वल टू जीरो इज 4, मतलब इसका एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 इक्वल टू जीरो का एक रूट जो है 4 है, अगर एक रूट 4 है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसको सेटिस्फाई करेगा मतलब ये हो जाएगा आपका 16, मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 4 पी प्लस 12 इक्वल टू जीरो, 16 प्लस 4 पी प्लस 12 इक्वल टू जीरो, 16 और 12 28 होता है तो पी 4 पी इक्वल टू माइनस 28, तो पी इक्वल टू हो गया आपका माइनस 7, p की वैल्यू आ गई। फिर आपसे बोला है कि जो ये वाली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू जीरो के रूट्स कैसे हैं? इक्वल, इक्वल का मतलब d इक्वल टू जीरो, d का मतलब आपका हो गया बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पे q इक्वल टू जीरो, p का मतलब माइनस 7 का स्क्वायर, फिर माइनस 4q इक्वल टू जीरो, तो q इज इक्वल वैल्यू आ गई 7 × 7 = 49 बाई 4। बोलो बात समझ में आई बच्चों, ये सेकेंड सवाल का आंसर हो गया। तीसरा सवाल देखो, तीसरा यहीं पे हम बता सकते हैं, या थोड़ा सा मैं थोड़ा सा जगह ले लेता हूँ, इरेज कर लेता हूँ और फिर हम तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल आपसे कह रहा है, देखो मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, इतने पार्ट को बस थोड़ा सा इरेज कर देंगे तो अपना हमारा काम बन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन आई होप बना ही लिया होगा आपने, कह रहा है कि इसके रूट इक्वल है किसके रूट, बी माइनस सी एक्स स्क्वायर सी माइनस एक्स ए माइनस बी इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स कैसे हैं इक्वल, अगर इसके रूट्स इक्वल है तो इसका मतलब कि अगर इसका मतलब कि या तो d इक्वल टू जीरो हो जाएगा, बट यहाँ पे एक और चीज देखें, बट यहाँ पे देखें तो कोफिशियंट कैसे है, बोलो बच्चों कोफिशियंट साइक्लिक है, देखो b माइनस सी सी माइनस ए माइनस बी, देखो ये साइकिल पे अगर a b c रखा तो a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए हर जगह अवेलेबल है, तो ये आपका साइक्लिक हो गया, मतलब वन रूट क्या हो गया, वन रूट इज वन हो गया, एक रूट वन हो गया तो अदर भी क्या हो गया, सिंस इक्वल है तो अदर रूट क्या हो गया, अगर इक्वल है इसलिए वन हो गया आपका अदर रूट भी, तो वही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब वन का स्क्वायर इक्वल टू ए सी बाई ए बी माइनस सी, मतलब वन इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, आपका बी माइनस सी इधर आ गया इक्वल टू ए माइनस बी यहाँ हो गया, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी, ये तो आपका रिलेशन आ गया। इसी को आगे जब हम आपका सिक्वेंस सीरीज पढ़ रहे होंगे तो हम कहेंगे कि ये आपका यही आपका बता रहा होगा कि ए बी सी ए पी में है, जब हम सिक्वेंस सीरीज पढ़ रहे होंगे तब हम बात करेंगे तो बोलेंगे कि ये ए बी सी आपका एपी में है। बात समझ आ रहा है, तो ये आपका चीज हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का सोल्यूशन। तो पहला दूसरा तीसरा तीनों आई होप आपका सही आया होगा, सही बनाया होगा आपने। चलो ठीक है, अब थोड़ा और आगे सवाल करते हैं, तो चार सवाल और भी करते हैं, लिखते हैं जरा वो सवाल। तो इस सवाल हमने लिखा अभी कि इफ ए एंड बी आर ऑड इंटीजर देन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इक्वेशन के रूट के बारे में बात करनी है। कौन सी इक्वेशन है, 2ax² + 2a + bx + b = 0 विल बी, इसके रूट्स के बारे में पता करना है कि क्या है। तो जब भी पहले एक बात बोला है कि a और b जो है कि कैसे इंटीजर है, ऑड इंटीजर है, मतलब a भी आपका कुछ 1, 3, 5, 9, -5, -7 टाइप की है, और b भी कुछ ऐसा ही ऑड इंटीजर भी है, ऐसे सेम टाइप की है, कुछ ही ऑड इंटीजर है, पता नहीं ये क्या है, उसका हो सकता है आगे सवाल में कोई लॉजिक हो इसलिए सवाल में दे रखा है यहाँ पे। तो इसके सोल्यूशन के बारे में बात करेगा, जैसे रूट्स के नेचर के बारे में बात करेगा तो हम d निकालेंगे, d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 2a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 4a के जगह पे 2ac के जगह पे b, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस b स्क्वायर माइनस 8ab, जरा देखो तो बच्चों 4a
क्या हो गया यहाँ पे, 4a और a आपका ये दोनों कट के माइनस 4ab भी आ गया, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। क्या बात है, शानदार चीज आ गया यार, क्या बात है। क्या ये 2a माइनस b का होल स्क्वायर आ गया क्या? अभी देखो तो कई कैलकुलेशन में गलती तो नहीं ना हो गई, फिर से मिला लेते हैं। इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2a इंटू a माइनस 8ab और 4a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हो गया। तो d क्या आ गया, हमेशा ऑड इंटीजर है उसका कोई खास तो मतलब हुआ भी नहीं, तो d हमेशा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो गया। मतलब रूट्स कैसे हो गए, रियल। रियल का मतलब इक्वल भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है। अगले सवाल की तरफ फटाफट बढ़ जाते हैं। इफ रूट्स ऑफ, बिना टाइम वेस्ट किए रूट्स ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस k इक्वल टू 0 आर रेशनल रेशनल, देन फाइंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ k, पॉसिबल वैल्यू ऑफ k की पॉसिबल वैल्यू बतानी है। क्या हो जाएगी पॉसिबल वैल्यू बतानी है, तो बताओ। अच्छा देखो, ध्यान से पढ़ो, रूट्स कैसे दे रखे हैं इसके, रेशनल, याद करो मैंने बता रखा था। अगर रूट्स रेशनल है, इसका एक भी मतलब होता है कि डी आपका परफेक्ट स्क्वायर, याद करो डी कैसा होना चाहिए, डी परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, पॉजिटिव तो होना ही होना चाहिए और पॉजिटिव एक परफेक्ट स्क्वायर का ही पॉजिटिव निकल के आता है, तो डी आपका एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर मतलब डी पहले निकाला जाए, डी कितना हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। जरा देखेंगे कितनी वैल्यू आएगी परफेक्ट स्क्वायर के लिए, क्या कंडीशन लगेगा। ये हो जाएगा b का मतलब माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए के जगह पे 6 इंटू के, ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। 49 माइनस ये हो जाएगा 24k इज इक्वल टू 24k, ये परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। यहां से ना k की वैल्यू निकालना चालू करेंगे अपन लोग, देखो यहां से k की वैल्यू निकालना चालू करेंगे। पहले k की वैल्यू कोई भी लेके चालू करो, कोई भी। पहले देखो k इक्वल टू बड़ा सिंपल सा दिख रहा है, अगर k इक्वल टू 0 हो जाएगा तो d इक्वल टू आपका 49 हो जाएगा, d इक्वल टू 49 हो जाएगा और ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। फिर अगर k इक्वल टू मैंने 1 लिया तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा देखो तो d इक्वल टू अगेन आपका 49 माइनस 24 शायद 25 होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब ये भी वैल्यू ले सकते हैं, ये भी वैल्यू ले सकते हैं आप, ये वैल्यू ले सकते हैं। k इक्वल टू अगर मैंने मान लो थोड़े के लिए मैंने माइनस 1 लिया तो t इक्वल टू क्या हो गया 49 प्लस 24 और आई थिंक ये दोनों मिलके 73 होता है और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये वैल्यू नहीं ले जाएगी। k इक्वल टू जरा 2 देखो तो 24 में 2 मल्टीप्लाई किया कितना हुआ 48, क्योंकि हम जान रहे हैं कि आपका 0 के बाद 1 है अगली वैल्यू, मतलब ये देखो 0 के बाद 49 के बाद 7 के बाद आपका 5 वाला आया, 25 वाला आया यहाँ पे। इसके बाद देखो हमने k इक्वल टू 2 लिया तो d इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे, तो 48 में से एक निकलेगा यानी 49 माइनस 48 आपका जैसे निकला ये 1 हो गया, ये भी काम कर गया। अब जरा देखो k इक्वल टू 3 अगर लेते हैं, क्या लेते हैं k इक्वल टू 3 लेते ही ये हो जाएगा 24 में 3 मल्टीप्लाई करो 72 में से निकालेंगे निगेटिव नंबर का परफेक्ट स्क्वायर, यानी वो तो हम उसका अंडर रूट निकाल ही नहीं सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कैसे होगा वो, निगेटिव कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकती है। अच्छा माइनस 2 लिया तो 49 में 48 जोड़ के देखो कितना होगा, तो 97 होगा, वो भी नहीं बनने वाला है। तो पॉसिबल वैल्यूज जो अभी दिख रही है, पॉसिबल वैल्यूज जो दिख रही है, अब बाकी ऐसे ही टेस्ट करके ट्राई करके निकाल सकते हो, पॉसिबल दिख रही है 0, 1, 2, बस यही आपका आंसर हो गया। और भी कंक्रीट करने के लिए के आपको यहाँ पे मान लो दे दिया कि हुए, और ताकि आपके आंसर में कोई कंफ्यूजन ना हो दे दिए के एक इंटीजर नंबर है। तो बात समझ में आ रहा है कि अगर रेशनल बोलेगा तो डी परफेक्ट स्क्वायर इज द ओनली ऑप्शन टू सॉल्व टू ट्राई, दिस इज द ओनली ऑप्शन, यू कैन नॉट स्किप द लाइक हम कैसे इसको और क्या अप्लाई करें डी ग्रेटर देन 0 सर ये वगैरह वगैरह कर सकते हैं। डी ग्रेटर देन 0 का भी अप्लाई करके पता चलेगा कि किस कहां तक वैल्यू लेनी है, डी ग्रेटर देन भी 0 करें तो ये पता चलेगा कि कहां तक वैल्यू लेनी है, उसके आगे की वैल्यू नहीं लेनी है, नहीं सोचनी है। तो ये आपका आया फाइनली k इक्वल टू 0, 1, 2, बात समझ में आ रही बच्चों। बस आज के लिए इतना ही, बाकी कल के लेक्चर में देखते हैं कि क्या और चीजें हम इस पे और क्या और कुछ सवाल करेंगे, थोड़ा और अच्छे सवालों की तरफ बढ़ेंगे। तो चलो बाकी हम कल के चीजों के लिए छोड़ते हैं, कल हम मिलेंगे। आज के लिए बाय बाय, सब बाय खैर।